अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इकरा और आज हम सीखेंगे नमक पारे बनाने का तरीका। उसके लिए हमें चाहिए होंगी तीन चीज़ें, उसमें शामिल है अजवाइन, नमक और मैदा। बिल्कुल मार्केट वाले नमक पारे बनाने के लिए हमें 1 कप मैदा लेना है। मैदे को हम बाउल में डाल देंगे। फिर हम शामिल करेंगे इसमें 2 चम्मच घी। ध्यान रहे कि हमने घी डालना है, ऑयल नहीं डालना। 2 चम्मच घी डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। इतने मैदे में 2 चुटकी अजवाइन बहुत है। दो चुटकी अजवाइन हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, ये मिनटों में तैयार हो जाती है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। फिर हम इसमें 2 चुटकी नमक डालेंगे, बिल्कुल इसके जायके को नमकीन बनाने के लिए। इससे ज़्यादा नमक इसमें नहीं डालेंगे। फिर हम इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि घी आटे में बिल्कुल मैरिनेट हो जाए, मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम पानी की मदद से आटा गूंद लेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी मकदार में हम पानी लेंगे और इसको गूंद लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा थिन ना हो जाए। डो को थोड़ा सा हम थिक रखेंगे, थिन नहीं बनाएंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसको जब तक ये सारा बर्तन से अलग हो जाए और हाथ में आ जाए तब तक इसे गूंदते रहेंगे। फिर 15 से 20 मिनट के लिए मैदे को डंप कर रख देंगे कवर करके। और फिर हमने जब इसको देखें 15 मिनट बाद खोला है तो देखिए कितनी सॉफ्ट डो हो गई है और कितना नरम सा ये मैदा तैयार हो गया है। अब हम इसको रोलिंग स्टिक की मदद से रोल आउट कर देंगे, जैसे हम रोटी का एक पेड़ा बनाते हैं इसी तरह इसका भी पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से इसको गोल करके मैदे के पेड़े को अच्छे से बेल कर फिर मैं इसको पत्थर के बेलन पे ट्रांसफ़र कर दूंगी और उस पर इसको कटर की मदद से काट लूंगी। हमने इसको इस मैदे की रोटी को ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है, बस इसको दरमियानी इसकी लेयर रखनी है ताकि ना इतनी मोटी हो ना ही बहुत बारीक हो। अब कटर की मदद से पहले मैं इसको बराबर काट लूँगी, सीधी लाइनिंग में इसको मैं काटती जाऊँगी। फिर मैंने तिरछा रख कर कटर इसको काटना है। ये हमारे नमक पारे कट गए हैं। अब हम ऑयल गरम कर कर उसमें नमक पारे डाल देंगे। और नमक पारों की साइड बदलते रहेंगे ताकि जले ना, और लाइट ब्राउन होने पर इनको हम डिश आउट कर लेंगे। ये हमारे हस्ता से क्रंची नमक पारे तैयार हो चुके हैं। इनको ये देखें किस तरह से इतने
खस्ता किस्म के नमक पारे हमारे घर पर रेडी हो चुके हैं, और आपको अभी एक नमक पारा तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।